नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है स्ट्रॉल और गेमिंग पे। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ वाइल्ड लैंड, मतलब कि टॉम क्लेंसी घोस्ट रिकॉन वाइल्ड लैंड की वीडियो, और उसके नेक्स्ट मिशन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो पहुँचते हैं पहले मैप पे और चलते हैं, देखते हैं किन किन को हमें दिखाना है कि हम भी हैं कुछ। तो एल मूरो और नेक्स्ट है द ब्यूटी क्वीन, हेड ऑफ स्मगलिंग, और ये है हेड ऑफ सिक्योरिटी। तो अब हम चलते हैं हेड ऑफ ब्यूटी की तरफ, हेड ऑफ स्मगलिंग की तरफ, और देखते हैं इसका मिशन कहाँ पर है। तो मे बी ये रहा इसका मिशन, तो इसको मैं कर लेता हूँ मार्क। We've caused so much damage to Nidia Flores's network that El Sueño decided he's better off without her. Extract Flores and her daughter before the Sicarios get to them. Okay, तो हमें इसे एक्सट्रैक्ट करना है। तो हम पहले पहुँचते हैं अपने नियरेस्ट पोजीशन पे, चेक इन करते हैं फास्ट ट्रैवल से। तो दोस्तों, अगर जो आप मेरे चैनल पे बिल्कुल नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए, और एक दूसरे का ख्याल रखिए क्योंकि सिचुएशन बहुत ही गंदी चल रही है इस वक्त। तो दोस्तों, ये डिस्टेंस है 800 मीटर की, तो हम लोग करने वाले हैं थोड़ा सा शॉर्टकट लेंगे और कोशिश करेंगे कि इधर से निकल जाए। बहुत गंदा रास्ता है सच में, यहाँ पे लोहे के टायर होने चाहिए गाड़ियों में, चले तो पत्थर टूट जाए। तो हम लोग बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं, 400 मीटर के आसपास। तो लोकेट करना है नादिया फ्लोर्स को, फ्लोरेस, नादिया फ्लोरेस को मुझे यहाँ पे लोकेट करना है, और फिर देखना है कि उसके साथ करना क्या है हमें। तो यहाँ की सिक्योरिटी थोड़ी सी टाइट मुझे नहीं लग रही है फ़िलहाल। अगर टाइट होती सिक्योरिटी तो इतना भी मुझे देखने को ना मिलता। मुझे यहाँ पे थोड़ी सी लूज दिख रही है। ओके, कार्स में अलार्म है, तो यहाँ पर तो कोई नहीं है फिलहाल, तब तक के लिए इनको उड़ा दो। तो मैंने अच्छे खासे लोगों को तो डिटेक्ट कर लिया है, तो ये दो लोग बाहर आ रहे हैं तो हमें इनको भी देखना पड़ेगा। 3 seconds आर लेफ्ट। I'm open to position. Let me get into position. Wait one. Let me get in position. Got the target. I've got the target. तीनों तीनों। Okay, nice. तो यहाँ पर कोई है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, वो रीज़न क्या हो सकता है उसका, पता नहीं। तो वो एक्चुअली वहाँ पर है, तो मुझे वो दिख नहीं रही है फ़िलहाल।
तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो मैं चलता हूँ अंदर और करते हैं सफाया धीरे धीरे एक एक पर्सन का। यहाँ पे एक ये रहा, इसको तो मैं ऐसे ही मार दूंगा, ऐसे छिटक गया भाई बंदा, फुल टू ऑसम शॉट था, छिटक के गिरा दूर जाके। ये गया, बहुत ज़्यादा नीचे है और शॉट उसके हेड पे लगाना है तो मुश्किल ही है, ये भी मुश्किल था। तो ये आया है छत पे, तो इसको देखते हैं पहले। पीछे से कोई हट जाए पहले, ये गया। ओ भाई ये तो बिल्कुल ओपन में था, मैं इसे मार सकता था बट देखा नहीं मैंने ढंग से। ओके तो अब मेरे पास ज़्यादा लोग तो नहीं है फिलहाल, लेकिन तब भी मैं धीरे धीरे करके सबको ही Check your बीट। targets. We got civilians in the ओ भाई area. ये तो Watch चला your गया उधर। targets. I'm getting a जल्दी position. to a good sight line. जल्दी 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 Target जल्दी, acquired. Copy. Standing. Target marked. No target. Repeat. No target. कोई बात नहीं। Got eyes on a tango. He's got a lot of background. देख लेगा, जगह इधर आया तो देख लेगा। तो पहले इसको ही निपटा देते हैं भाई, पेट फाड़ के निकल गई फट से। मैं जिस तरह की सफाई मशीन लेकर चल रहा हूँ। ओके बहुत मज़ा आ रहा है सफाई करने में। तो अब हम लेंगे अपने असॉल्ट और देखते हैं कि कौन कहाँ पे क्या क्या Looks मिलता like है। we've riled them up. Shit, Sueño's people are hitting the hacienda now. Let's move. भाई काफी लोग फोन ऑन कर रहे हैं मुझे। Copter, get down. कॉप्टर के ऐसे की I'm तैसे opening fire. मारो भाई, खुला मारो, छूट है तुम लोगों को। भाई मत कर फोन, इसे कर दिया डाउन हमने। स्नाइपर भी हो गया है डाउन और मुझे यहाँ पर ढूंढना है कुछ लोगों को जो कि कहाँ पे छुपा बैठे हो। व्हाट इज दिस मैन, अच्छा बच्चे का रूम है। तो यहाँ से नीचे जाने का भी रास्ता होगा, कहीं नहीं है क्या, मतलब ये समझ नहीं पा रहा हूँ मैं, यहाँ से भी नहीं निकल रहा है। हो
ओके, तो बंदे आ चुके हैं और हमें चुके हैं घेर। तो उससे पहले कि वो कुछ करें तो उनको ही काम लगा दो धीरे धीरे करके। I got eyes on Nidia and the daughter. We need them both alive. Okay. Mamá! Escóndete, Valeria! Don't come any closer! Cuídenla! Valeria! Get on that helicopter! Mamá! No! You wanna kill me, pendejo? I'm right here. None of you assholes is gonna lay a hand on my daughter. We don't want to hurt you or your daughter. We want Sueño. You help us, we can protect you. All in there, like I'm gonna trust you. You don't really have a choice. Think you'll survive in the wild on your own? You okay. know Sueño better than anyone. He won't stop till your head is lying at his feet. We are your only chance. I'm not giving up for Sueño. We'll see. Let's take your helicopter. तो हमने उसको बैठा दिया है हेलीकॉप्टर में। और उसका बच्चा कहाँ चला गया? ओह भाई, वो आगे आके बैठ गया। बहुत से तो उन लोग को पता चल गया है कि मैं हेलीकॉप्टर से निकलने वाला हूँ। बैठ रहे लौंडे, गुड। तो हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। उसको वो मॉन्स्टर ट्रक की तरह लग रहा है। You don't like El Jefe because he tried to hurt you and your mama? No, I don't like him because he has no hair. No, there's nothing wrong with not having hair. Maybe he can't help it. Stop talking to her. मेरी कैद में ही है तो बच्चे से मैं बात भी नहीं कर सकते। Fuck me over the first chance you get. I suspect it's up to you. You're the cabrones who turned El Sueño against me in the first place. Our life was good before you came along. Your life was on permanent fast forward and you know it. We didn't make Sueño send people to kill you. We saved you and your daughter. Right. After you destroyed all of it. My life's work, everything I had. Well, not everything. Coming up on the RP. Oh, Karenia. Whatever happens, just remember that Mama loves you. Okay, Mama. तो आ जाओ। उसको स्टॉल करना था तो फिर उसको ग्रैब भी कर लेता हूँ। बच्चा आ रहा है खुद। I'm not going to talk. Good. I don't want you to. I want you to listen. I want to tell you a story. कुछ बताएगी नहीं लेकिन ये सुनाई उसे। ब्यूटीफुल प्रिंसेस नेम्ड निडिया एंड वन डे प्रिंसेस निडिया मेट अ वेरी पावरफुल किंग नेम्ड एल स्वेन्यो। निडिया लव्ड एल स्वेन्यो। ही वाज लाइक द फादर शी नेवर हैड एंड ऑल निडिया एवर वांटेड वाज टू मेक हिम प्राउड ऑफ हर। निडिया वाज सो अफ्रेड ऑफ लेटिंग डाउन स्वेन्यो दैट शी इवन सैक्रिफाइस्ड द लव ऑफ हर लाइफ, the father of her child, all so that Sueño would love her. Okay, but it wasn't enough. La Sueño iska pita hai. It was never enough. You know nothing. I know one thing. I know that once I sign this, you will be extradited to the United States and you will never ever see that little girl again. Oh god, she will go into the foster care system and in 5 years she won't even remember who you are. You and I have both been there, Nidia. We both know what it's like. We both know the fucked up shit that goes on in those families. Do you really want Valeria to go through what you did? Who's it gonna be? Valeria or Sueño? I want an S visa. Witness relocation for both of us. And I want full immunity. Trato. Sweetheart, you get me Sueño? I will give you eternal life.
ने सिक्योरिटी रखी हुई थी, लेकिन तब भी बेचारी पकड़ी गई। किस्मत सिक्योरिटी कहती है, बल्कि उसके पास बंदे कम थे, क्योंकि ये तो स्मगलिंग की क्वीन है, तो कैप्चर्ड हो चुकी है, जो कि जाएगी जेल में। और हम देखेंगे एक नई वीडियो लास्ट सेनियो। नेटवर्क वाज डिसमेंटल्ड, नो मोर कोकेन केम इन, नो मोर मनी वेंट आउट, द ड्रग्स दैट रिमेन स्मगलिंग बंद हो गई है, रैप्ड इन सेलोफेन, रॉटिंग अवे, बिकमिंग वर्थलेस। My men wondered where their next payout was going to come from. I had spent years building these routes. Billions of dollars in manpower, transportation, relationships, all gone. सब चला गया इसके पास है। Including the beauty queen. I gave Nidia Flores everything. The beauty queen भी चली गई। And she paid me back by running like a coward. Nidia Flores. Instead of dying like royalty. Now she would spend the rest of her life serving the Americans. She killed her child's father for nothing. Isn't it amazing? You remove a few buchones and the machine falls to pieces. तो ये थी स्टोरी द ब्यूटी क्वीन की। तो मैंने उसे कर दिया है कैच और उसको कर दिया है मैंने अरेस्ट। तो अब उसका कोई भी मतलब नहीं बनता है। जैसे कि पूरे आप मैप में देख रहे हैं कि जिन लोगों के नाम काट दिए गए हैं वो नहीं, वो मतलब उनको किल करना था, उनको ज़िंदा नहीं रखना था। और जो अंडर बॉस हैं सारे, वहाँ से उन सबको कैच करने की जो प्रोसेस था वो स्टार्ट हो गया था। तो अंडर बॉसेस और हेड ऑफ सिक्योरिटी बचा हुआ है, जिसमें से हेड ऑफ स्मगलिंग एंड हेड ऑफ प्रोडक्शन एंड हेड ऑफ इन्फ्लुएंस, इन सब को मैंने कैप्चर करवा दिया है। तो ये सब अभी जेल में चक्की पीस रहे हैं। तो इन लोगों की बात तो बाद में करते हैं, पहले चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ, जो कि आएगी जल्द ही। तब तक के लिए बाय बाय। अगर जो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।